अब तक 7 पॉपुलेशन सेंसेस हो चुके हैं इन 7 7 पॉपुलेशन सेंसेस में फर्स्ट वन हुआ था 1951 में और लेटेस्ट हुआ 2023 में और यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम हाउसहोल्ड अबाउट द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर हाउस उसमें का कंपोजिशन क्या है मेल मेंबर्स कितने हैं फीमेल कितने हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सेंसस में कलेक्ट की जाती है और ये जो इंफॉर्मेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दमेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग फिर इसी पैटर्न पे देर आर नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेज इन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दी हाउस होल्ड और इसमें आप, आप कह लें कि डेटा कलेक्ट किया जाता है अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द हाउस होल्ड क्या जो उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है क्या वो अंडर एम्प्लॉयड तो नहीं है उनके एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है उनके उनकी जो एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है और वहां पे और ये जब सारी इंफॉर्मेशन है ये आप कलेक्ट करते रहे थ्रू हाउस होल्ड सर्वेज इन पाकिस्तान अब पाकिस्तान में देर आर नंबर ऑफ हाउस होल्ड सर्वेज दैट आर कैरीड आउट ओवर अ टाइम इनमें लेबर फोर्स सर्वेज भी हैं इसमें आपके पास हाउस होल्ड इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक सर्वे हैं पाकिस्तान इंटीग्रेटेड हाउस होल्ड सर्वेज हैं पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे है आपके पास पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक सर्वेज हैं टाइम यूज सर्वे है नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे है और इसके अलावा और बहुत से सर्वेज हैं

पाकिस्तान सोशो इकोनॉमिक सर्वे टाइम यू सर्वे एंड नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे ये सिर्फ आप कह लें पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक दफा कंडक्ट किया गया है और जो बाकी सर्वेज हैं इनमें लेबर फोर्स सर्वे आप कह लें यूजली आप एनुअल बेसिस पे भी करते हो कभी आप इसमें ब्रेक भी दे देते हो वन ईयर और टू ईयर की डिपेंडिंग अपॉन दी इकोनॉमिक कंडीशंस अब जब आप हाउस होल्ड पैनल सर्वेज की बात करते हो अब जब हम डेटा कलेक्शन की बात करेंगे तो उस डेटा कलेक्शन में पैनल डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है

1991 फिर यहाँ पे पाकिस्तान रूरल हाउसहोल्ड सर्वे था जो कि कंडक्ट किया गया ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 2001 एंड 2004 ये बेसिकली आप कह ले कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन थी पाकिस्तान पैनल सर्वे की फिर इस यहीं पे आप कह एक अनदर पैनल हाउसहोल्ड सर्वे इज बीइंग कंडक्टेड दैट इज कॉल्ड अ पाकिस्तान पैनल हाउसहोल्ड सर्वे और ये 2010 में किया गया ये इनफैक्ट क्या था दिस इज द राउंड 3 ऑफ पैनल रूरल हाउसहोल्ड सर्वे अब अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं तो पैनल सर्वे में क्या होता है कि यहां पे जो मेरा क्रॉस सेक्शन होता है दैट क्रॉस क्रॉस सेक्शन सेक्शन डज नॉट चेंज ओवर ओवर टाइम टाइम कि कि वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेम और ये जो आप कह लें इनको सर्वेज जब भी हम बात करते हैं दी सर्वेज आर कैरीड आउट बाई डिफरेंट एजेंसीज पाकिस्तान में आप कह लें यूजली सर्वेज आर कैरीड आउट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स लेकिन जब मैं इस पैनल सर्वे की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो पाकिस्तान पैनल सर्वे था इट हैजिन कंडक्टेड बाई इफरी फिर जो आपके पास पाकिस्तान रूरल हाउस होल्ड सर्वे है और पाकिस्तान पैनल हाउस होल्ड सर्वे है इट हैजिन कैरिड आउट बाय पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स